friend, myself, Dr. Sunita, Department of Psychology. I want to talk with you about mental deficiency. मानसिक मंदता या दुर्बलता ऐसी चीज होती है जो बच्चों में पाई जाती है और इसकी जानकारी पेरेंट्स को थोड़ी देर से होती है. 18 वर्ष से पूर्व पेरेंट्स को पता चलने लगता है कि बच्चों में डिफिशियंसी कैसे आ रही है, जिसमें मुख्य रूप से सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड आईक्यू होता है. इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सब एवरेज होने के कारण बच्चे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बच्चों में आने लगते हैं और बच्चे मानसिक तथा शारीरिक रूप से दुर्बल होने लगता है. इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिसमें लिमिटेड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, लिमिटेड एडिक्वेट बिहेवियर होता है, बॉडी इंफिरिटी होती है, सोशल डिजेबिलिटी होती है, इनएडिक्वेट एजुकेशन होते हैं एंड लिमिटेड मोटिवेशन एंड इमोशंस पाया जाता है. साथ ही इसके कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स भी इनमें होते हैं. इसके मुख्य कारण होते हैं डिफेक्टिव कंपोजिशन ऑफ क्रोमोजोम्स, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूरल डिसऑर्डर, सीरियस इन्फेक्शन, ब्रेन डैमेज, इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस. इन सभी के कारण बच्चों में इस तरह की बीमारियां होती हैं जो जिसके कारण परिवार, समाज, स्कूल सभी परेशान होते हैं. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमें किन किन आधार पर इन बच्चों को आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद हम इसके बारे में बताएं लोगों को, जिसमें सबसे पहले है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने ये कहा कि मुख्य रूप से तीन प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया है आईक्यू. आईक्यू के आधार पर हम मॉरल, इम्बेसाइल और इडियट पाते हैं. मॉरल की आईक्यू होती है 69 टू 50 एंड इम्बेसाइल की आईक्यू होती है 49 टू 20 और इडियट की आईक्यू होती है बिलो 20. मॉरल के जो मॉरल टैक्स बच्चे होते हैं इनको हम आसानी से उसके हमें लाइफ जीने के लाइफ ट्रेनिंग दे करके बना सकते हैं. इम्बेसाइल को जीवन से संबंधित कुछ मेहनत करके स्पेशल आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग दिया जा सकता है, जिससे कि ये बच्चे आगे जा करके अपनी ज़िंदगी जी सके. लेकिन इडियट जो होता है उसकी आईक्यू वैल्यू 20 होती है, जिस कारण यह बच्चा ज़्यादा दिन सर्वाइव भी नहीं कर पाता और इसकी जो मेंटल एज होती है वो बहुत ही लो होती है और ऐसे बच्चे पूर्ण रूप से फिजिकली एंड मेंटली पेरेंट्स पर या केयर टेकर पर डिपेंड होते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ बिहेवियरल एडजस्टमेंट, इसके संदर्भ में कहा गया है कि ये चार प्रकार के डिसऑर्डर पाए जाते हैं. मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सेवरल मेंटल रिटार्डेशन एंड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन. इनमें भी हम यह देखते हैं कि जिनकी आईक्यू 50 टू 67 होती है वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, क्योंकि आईक्यू एक नॉर्मल आईक्यू 110 से 90 तक होता है, लेकिन बिलो 90 होने से उसमें माइल्ड मॉडरेट रिटार्डेशन पाया जाता है, जिस कारण ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई होने में 17 से 18 साल लग जाते हैं और उसके बाद उसको सही दिशा में निर्देशक देकर के उन्हें ट्रेनिंग देके उन्हें जीने लायक बनाया जा सकता है. मॉडरेट की आईक्यू 35 टू 51 होती है, इसलिए इसके ट्रेनिंग की स्पेशल व्यवस्था होती है और वैसी व्यवस्था में वे इनके जो मेंटल एज होते हैं वो 5 to 6 ईयर्स होते हैं. सीवियर मेंटल रिटार्डेशन जो होते हैं इनकी आईक्यू 20 to 35 होती है. इसके लिए यह आवश्यक होता है कि हम ऐसे बच्चों को मुख्य रूप से ये इनका मेंटल रिटार्डेशन का जो लेवल है वो बहुत लो होता है और ऐसे बच्चे पूर्ण रूप से केयर टेकर पर डिपेंड होते हैं. प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन की भी स्थिति अच्छी नहीं होती, इसकी स्थिति सबसे खराब होती है. इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल क्राइटेरिया. क्लिनिकल क्राइटेरिया पर मैं ये देखा गया है, साइकेट्रिक एसोसिएशन ने बताया कि ये मुख्य रूप से क्लिनिकल लेवल पे जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो इसमें डाउन सिंड्रोम, फैमिल कैटोमेरिया, क्रिटिनिज्म, माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली एंड टैन सिंड्रोम होता है. डाउन सिंड्रोम ऑलमोस्ट मंगोलिज्म टाइप का होता है, जिस कारण उनके फिजिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. इनकी आईक्यू 50 to 25 होती है, मेंटल एज 6 to 7 होता है. फैमिल कैटोमेरिया का 6 to
12 इयर्स का होता है। क्रिटिनिज्म जो होते हैं इसमें मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम होता है फेनिलकेटोनुरिया में। क्रिटिनिज्म जो होता है इसकी आईक्यू जो होती है वो 25 to 75 होती है। ये बौना होता है, इसकी हाइट बहुत छोटी होती है जिस कारण से इसमें इंफिनिटी फीलिंग बहुत अधिक होती है। माइक्रोसेफेली की 25 होती है आईक्यू, जिसके कारण यह व्यक्ति क्या कहते हैं छोटा होता है, इसकी ब्रेन बहुत छोटी होती है जो 17 इंच की सिर्फ पाई जाती है 70 इंच की, जिस कारण से इसमें न्यूरल प्रॉब्लम होता है। हाइड्रोसेफेली का ब्रेन बहुत बड़ा होता है और इसका ये इसकी जो लाइफ होती है वो 3 इयर्स ओनली होती है। टर्न सिंड्रोम ये क्रोमोजोमल प्रॉब्लम होता है जिसमें 47 क्रोमोजोम्स होता है। इम्बैलेंस पैरेंटल क्रोमोजोम्स के कारण टर्न सिंड्रोम होता है और ये बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इनको ठीक करना थोड़ा कठिन होता है। और इसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट के लिए 3 टाइप्स बताते हैं साइकोलॉजी में डायग्नोसिस के आधार पर। फर्स्ट होता है बिहेवियरल थेरेपी, लर्निंग थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी और ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। इसके माध्यम से स्पेशली ट्रेनिंग दे करके इसे नॉर्मल बनाने की कोशिश की जाती है। थैंक यू।